कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं आकांक्षा आपके अपने चैनल माँ ब्यूटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। तो मैंने इससे पहले वाला जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड किया था कि मतलब मैंने आप लोगों को शॉपिंग वगैरह दिखाई थी अपनी। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ तो मैं पायल वगैरह पहन रही हूँ। तो चलिए मैं पायल वगैरह पहन लेती हूँ। देखिए मेरी बिछिए हैं छोटे छोटे से। देखिए मैं बिछिए पहन रही हूँ, चेंज कर रही हूँ मतलब। और बिछिए कभी भी दोनों एक साथ उतार के नहीं पहनना चाहिए। मैं एक एक बिछिया करके उतार लूँगी फिर पहन लूँगी दूसरे वाले। ये देखिए इस तरीके से मैं बिछियों को पहन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स बिछिए पिन गए हैं मेरे। अब मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। मैं रेड कलर की नेल पेंट ली हुई है। मैं मोस्टली रेड कलर की नेल पेंट ही अपने मतलब हाथ और पैरों में यूज करती हूँ। रेड कलर की नेल पेंट लगा रही हूँ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया और आप लोगों को दिखा दिया है। हैंड में लगा देगी नेल पेंट। नेल्स की तो बहुत बुरी हालत हो गई है। मैंने दिवाली के जो सफाई होती है ना उसमें नेल्स की तो बहुत ही बेकार हालत हो जाती है। रिंग वगैरह पहन लेते हैं। ये देखिए मैंने रिंग पहन ली है। रिंग तो मेरे पास और भी है पर ना मुझे पता नहीं क्यों अड़चन सी होती है रिंग पहनने में, इसलिए मैं ज़्यादा रिंग तो नहीं पहनती हूँ। मतलब डेली में तो कभी मैं रिंग पहनती ही नहीं हूँ, बस कहीं जाना आना होता है तभी रिंग पहनती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स मैं तो फैगी पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। साड़ी का भी फुल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। मैं रेडी हो गई हूँ, मैं सब कुछ पहन लिया है। अपना फुल लुक दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स पूजा हो गई थी हमारी। अर्घ वगैरह दे दिया था हमने सूर्य भगवान जी को। अब रात में चंद्र भगवान जी को अर्घ देंगे। देखिए मैं निकाल रही हूँ बायना, जो मैंने साड़ी वगैरह करवा वगैरह से वो सब लिया हुआ है ना, तो अब मैं बायना निकाल कर मम्मी जी को दे दूँगी। ये देखिए हमने पूजा करी थी ना तो मैंने वीडियो कैप्चर करके दिखा दिया है क्योंकि मैं पहले नहीं दिखा पाई थी, इसीलिए सब कुछ देखिए सामान वगैरह सब रखा हुआ है। एक एक जल का लोटा था जिससे हम अर्घ दे आए हैं। पूजा कंप्लीट हो गई हमारी, पूजा कर ली है हम लोगों ने। और हमारे यहाँ तो दिन में होती, मैंने अभी बताया था ना, तो दिन में दिन की पूजा कंप्लीट हो गई है।
अब रात की तैयारी करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। बस खाना वगैरह बनाना है अब, और रात की तैयारी करके रख देंगे कि रात में जो पहनना वगैरह होता है ना निकाल के रख लेते हैं, जिससे क्या जल्दी जल्दी से फिर हो जाते हैं रेडी। नहीं तो खाना बनाओ फिर टाइम कम बचता है ना, इसीलिए। तो चलिए, मैंने ज़्यादा कुछ तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि ना देखिए फिर ना वीडियो बनाओ ना तो पूजा करने में मन नहीं लगता है, फिर कोई है भी नहीं वीडियो बनाने के लिए कि कोई वीडियो बना दे। तो फिर मैं मतलब पूजा करती रहूँ, फिर मुझे ही सब देखना पड़ता है, तो इसीलिए फिर मैंने पूजा की ठीक से, वीडियो में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। तो वीडियो तो बहुत कम ही पहुँची है आपके पास में। अब रात का देखते हैं क्या पॉसिबल होता है आप लोगों के साथ में शेयर करना, तो वही शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो देखिए, मैं तो पानी वगैरह कुछ नहीं पीती हूँ, मैं तो रात में चंद्रमा देखकर ही पानी वगैरह पीती हूँ, और मम्मी जी चाय पी लेती हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ अभी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।